हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जैसा कि हमने डेटा मैनिपुलेशन में बात की थी कि तीन टाइप की इंस्ट्रक्शंस वहां पे आती हैं, अर्थमेटिक है, लॉजिकल है एंड शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की। तो जैसा कि हमें पता है कि कंप्यूटर हमारा काम करता है जीरो और वन पे, मतलब हमारा कंप्यूटर काम करता है बिट्स के ऊपर। तो जब भी हमें पर्टिकुलर बिट्स के ऊपर काम करना है या सेट ऑफ बिट्स के ऊपर अगर वर्क करना है तो वहां पे हम यूज करते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस का। या फिर अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग की, सी प्रोग्रामिंग में हम यूज करते हैं लॉजिकल एंड है, और ऑपरेशन है, नॉट है, बिटवाइज एंड है, बिटवाइज और है। तो जहां पे भी इस तरीके के ऑपरेशंस हम यूज करते हैं तो कैसे बैकएंड पे प्रोसेसर उनको एग्जीक्यूट करता है, तो इन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से हम उनको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहली हमारी आती है लॉजिकल में कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन मतलब लाइक वंस कॉम्प्लीमेंट, जिसको आप ये भी कह सकते हो नॉट ऑपरेशन। नॉट का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर हमारे पास ट्रू है तो ट्रू का कॉम्प्लीमेंट मतलब फॉल्स है, जिसको आप ये लिख सकते हो कि वन का कॉम्प्लीमेंट अगर करते हो तो क्या बनता है, जीरो, और जीरो का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो क्या बनता है, वन बनता है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एक्सोर ऑपरेशन की हेल्प ले सकते हैं। कैसे, लेट्स से कि अगर हम बात करें हमारे पास डेटा है 0101 और अब मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब इसका नॉट ऑपरेशन करना है, तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए, 1010। बट ये कैसे आएगा, इसको करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, एक्सोर की हेल्प ले सकता हूं। एक्सोर मतलब लेट्स से कि अगर मैं इसको 1111 के साथ एक्सोर करता हूं, मतलब सारी वंस को करके, सारी बिट्स को वन करके और उनके साथ अगर एक्सोर करते हैं, तो एक्सोर ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है कि सिमिलर वैल्यू पे वो जीरो देता है और डिफरेंट पे वो क्या देता है, वन देता है। मतलब डिफरेंट मतलब 01 पे क्या देगा, 1, 11 पे क्या देगा, 0, 01 पे देगा 1, 11 पे क्या देगा, 0। तो देखो ये वाली आउटपुट यहां पे आ गई। तो कॉम्प्लीमेंट का सिंपल मतलब है लाइक वंस कॉम्प्लीमेंट, बिट्स को उल्टा करना। देन क्लियर, क्लियर इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें जिसको हम डिनोट करते हैं CLR से, क्लियर मतलब कि सारी वैल्यूज को जीरो करना, क्लियर कर देना डेटा को। और डेटा क्लियर जो है वो जनरली फ्लिप फ्लॉप्स की अगर हम बात करें, जो कि रजिस्टर्स हमारे क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ द फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, तो फ्लिप फ्लॉप में ऑलरेडी एक ऑप्शन होती है क्लियर की। आप एक क्लॉक पल्स अप्लाई करके सारी वैल्यूज को वहां पे क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट अ क्लियर लॉजिकल एंड और, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लॉजिक एंड और की हेल्प से हम मेजरली ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। एंड का मतलब क्या है, सिंपल जो हमने डिजिटल में भी इसको पढ़ा हुआ है, लेट्स से 0001 1011। तो अगर हम बात करें एंड का मतलब क्या है, एक तरह से डॉट, मतलब मल्टीप्लीकेशन काइंड ऑफ। तो 0001001100 and 11 क्या बन गया, 1। और अगर हम बात करें और ऑपरेशन, तो और ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, दोनों में प्लस काइंड ऑफ, मतलब दोनों में अगर हम बात करें तो 00 का प्लस मतलब 0 1 0 1 1 1। सो दिस इज व्हाट द और ऑपरेशन। इसको हम कैसे यूज करते हैं जनरली, अगर हम बात करें लेट्स से मेरे पास डेटा है 1011, अब मुझे 1011 में लेट्स से मुझे ये 10 को जीरो करना है, मतलब इस बिट को, इस पर्टिकुलर बिट्स को मुझे क्या करना है, जीरो करना है। तो क्या करोगे, सिंपल सा फंडा है, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, एंड कर देंगे किसके साथ, जीरो के साथ। तो होगा क्या, इसको जब एंड करोगे तो क्या बन जाएगा, 00। मतलब एंड का फंडा क्या है कि अगर कोई भी वैल्यू है और उसके साथ अगर आप जीरो के साथ उसको एंड करते हो तो फाइनल रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर मुझे कोई भी डेटा है लेट्स से 1011 और अगर मैं इसको सारी वैल्यूज को क्या करना है, 1 1 करना है, तो क्या करना है, आप 1111 लेके सबका क्या कर दो, और ऑपरेशन कर दो, तो और करते ही सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी, मतलब सारी वैल्यूज सेट हो जाएंगी। तो अगर आप और ऑपरेशन का यूज कर रहे हो तो 1 1 के साथ अगर आप सारे ऑपरेशन जो है वो और कर देते हो तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका कॉन्टिन्यूसली 1। और अगर आप एंड करते हो 0 के साथ तो क्या हो जाएगा, 0। ये जनरली हम यूज करते हैं नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग में अगर हम बात करें सबनेटिंग की, या अगर हम फाइंड करते हैं सबनेट मास्क के बेसिस पे, अगर हम फाइंड करते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है, सबनेट आईडी क्या है, तो वहां पे अगर आपको याद हो तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम वहां पे यूज करते हैं एंड ऑपरेशन का, जनरली यूज करते हैं और ऑपरेशन का वहां पे यूज करते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें लेट्स से कि हमारे पास डेटा है 1010 और अगर मुझे पता करना है कि क्या ये नंबर इवन है या ऑड,
जनरली सी प्रोग्रामिंग में हम पहले प्रोग्राम में यही लिखते हैं कि यार इवन और ऑड अगर मुझे पता करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मेथड है कि आप इसको क्या करो, 0001 मतलब आप 1 के साथ इसको क्या कर दो, एंड कर दो। मतलब किया क्या मैंने, ये मेरे पास गिवन स्ट्रिंग थी और मैंने 1 लिया, 1 को लिखने का मतलब क्या है, सारी 0 फॉलोड बाय लास्ट में क्या कर दो 1। तो इस 1 के साथ अगर हम एंड करते हैं तो क्या आएगा, यहां पे एंड करने का मतलब है 0 0 0 और ये क्या है आपका आंसर 0। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप इन वैल्यूज के साथ इसको एंड करते हो और अगर फाइनली में सारी बिट्स यहाँ पे 0 आ रही हैं, मींस दिस इज अ इवन नंबर। और अगर मैं लेता हूँ लेट्स से 1011 और इसको अगर मैं करता हूँ 0001 के साथ एंड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आया इसको एंड करने के बाद, 1000000100011 क्या बना 1। और अगर आउटपुट में फाइनली क्या आ रहा है 1 आ रहा है, मींस LSB बिट क्या आ रही है 1, मींस द गिवन नंबर इज द ऑड नंबर। तो आप इवन और ऑड इस तरीके से भी यहां पे चेक कर सकते हो। तो ये एडवांटेज है एंड ऑपरेशन की और ऑपरेशन की। देन XOR, XOR ऑपरेशन जैसा कि हमने कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया, XOR को हम मॉड्यूलर 2 भी बोल सकते हैं। मोड 2 का मतलब है कि अगर आपको कोई भी लेट्स से ये स्ट्रिंग दी हुई है इसमें आप मोड 2 कर सकते हो, मतलब 0 प्लस 0 मोड 2, तो 0 मोड 2 क्या आएगा आंसर 0, 0 प्लस 1 मोड 2, 0 और 1 को ऐड करो मतलब 0 प्लस 1 मींस 1, 1 मोड 2 करो आंसर क्या आएगा 1। ये देखो 1 0, 1 प्लस 0 क्या है 1, मॉड 2 मींस आंसर 1। नेक्स्ट है 1 1, ऐड करोगे तो 1 प्लस 1 मींस 2, 2 मॉड 2 क्या आएगा 0। तो इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं, XOR इज अ मॉड 2 फंक्शन। देन क्लियर कैरी, क्लियर कैरी जल्दी हम यूज करते हैं। कैरी जो है बेसिकली एक फ्लैग होता है और उस फ्लैग बिट में या तो वैल्यू क्या होगी मेरी 0 या उसमें वैल्यू क्या होगी 1। और अगर मुझे कोई भी कैरी बिट है मुझे उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करना और उस कैरी वैल्यू को मुझे उस फ्लैग बिट को क्लियर करना है, 0 करना है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कैरी की हेल्प से हम उस इंस्ट्रक्शन को, इस इंस्ट्रक्शन की हेल्प से हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर। देन सेट कैरी, सेट कैरी मींस अगर 0 की बजाय मुझे उसको 1 करना है, सेट करना है 1 में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट कैरी। जनरली जैसे हम 2's कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हम कैसे करते हैं, 0101 और उसका 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया 1010 और फिर उसके बाद हम ऐड करते हैं 1। अब ये जो ऐड करना है 1, ये 1 कहां से लेंगे हम, ये 1 लेंगे हम लाइक इस फ्लैग से, दैट इज अ कैरी फ्लैग, और उसको क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा 1 से ताकि उस 1 को हम यहां पे यूज कर सके। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द सेट कैरी। कॉम्प्लीमेंट कैरी, कॉम्प्लीमेंट कैरी मींस इफ द कैरी बिट इज कंटेनिंग 1 और उसको मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है मतलब उसका नॉट करना है, वो 0 बन जाएगा, और अगर 0 है तो उसको हमें 1 करना है। सो दैट इज व्हाट द कॉम्प्लीमेंट कैरी। इनेबल एंड डिसेबल इंटरप्ट, इंटरप्ट जो है वो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इंटरप्ट होता है क्या है कि रनिंग प्रोग्राम को हम स्टॉप करके हम प्रेफरेंस देते हैं किसी और को, मतलब जैसे अगर हम बात करें हार्डवेयर इंटरप्ट और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट का मतलब है कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूं, प्रोसेसर कोई काम कर रहा है, तो प्रोसेसर की इंटेंशन को मुझे गेन करना है। वो इंटेंशन कैसे मिलेगी, लेट से अगर मैंने कीबोर्ड को प्रेस किया या माउस को वहां पे शिफ्ट किया, तो होगा क्या, एकदम से वहां पे इंटरप्ट टक्कर होगा और उसका जो सीपीयू की इंटेंशन है वो हम कहां पे लेके आएंगे, उस पर्टिकुलर प्रोसेस पे। ऐसी अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर, सीपीयू रन कर रहा है एक फाइल, उस फाइल में लिखा हुआ है readxyz.doc। अब xyz फाइल कहां हो सकती है, सेकेंडरी मेमोरी में, तो इस केस में हो सकता है कि सीपीयू बोले कि आई नीड टू एक्सेस दैट फाइल जो कि सेकेंडरी मेमोरी में पड़ी है। तो अगेन यहां पे क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होगा और उस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बेसिस पे क्या होगा, नेक्स्ट फर्दर काम होगा। तो पता कैसे लगेगा, सीपीयू की अटेंशन कैसे हम लेंगे वहां पे, तो उसके लिए अगेन इंटरप्ट भी क्या होता है, एक फ्लैग होता है, उस फ्लैग को अगर हम 1 कर देते हैं मींस यानी कोई ना कोई इंटरप्ट यहां पे अकर हुआ है, अदरवाइज वो क्या रहेगा, 0 मींस देयर इज नो इंटरप्ट। इंटरप्ट को हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। ये जो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन इतना इनफ है, आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी आती हैं, कैसे हम यूज करते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को। थैंक यू।